हेलो एवरीबॉडी वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट और बच्चों कैसे हो तो चलो अब हम जो आज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास प्लस टू की इकोनॉमिक्स का एक जो पार्ट है उसमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया की हम सीरीज़ चैप्टर की चला रहे हैं उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो चलो शुरू करते हैं अब अच्छा इस अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आप ह्यूमन कैपिटल कर चुके हो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको पता है क्या होती है अब उन दोनों का रिलेशन देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन से कैसे आपका कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है अब ये देखो जो इकोनॉमिक ग्रोथ पहले एक बार आपको मैं फिर से बता रही हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या growth, है बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ अगर ज़्यादा है इट मीन्स इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मली एक साल की बात करते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च तो ये ट्वेल्व मंथ्स की हम बात करते हैं तो उस टाइम uh, पीरियड में जो भी हमारे अगर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो उनमें इकोनॉमिक वैल्यू है अगर उसमें इंक्रीज हुआ है टाइम में इकॉनमी में तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक है growth, और ये कैसे मैयर की जाती है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है बेसिकली इसको हम मैयर करते हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारी है उसके उसकी क्या रोल है इम्पॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने उसको ऐसे अटैम्प्ट करना है तो जो उसका अगर रोल आ गया इम्पोर्टेंस आ गई सिग्निफिकेंस आ गया कुछ भी आ गया तो उसमें आपने यही चीज़ लिखनी है या इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन पूछ लिया तब भी आपने इसी आंसर को घुमा के लिखना है सिर्फ वर्ड्स की हेर फेर है आंसर यही होगा इसको आप घुमा के लिखोगे आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सही होगा राइट तो क्या इसकी है रोल इम्पॉर्टेंस है सिग्निफिकेंस क्या है पहला है इन्हांसमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन फिजिकल कैपिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड ये छह चीज़ें हैं जिसको आपने अगर आपको मान लो इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में रिलेशन पूछ लिया गया तो आपने यही छह चीज़ों को एक्सप्लेन करना है सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर होगा जो आप बीच में मैटर लिखोगे टॉपिक हेडिंग्स यही होंगी ठीक है तो चलो वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं अभी देखो जैसे फर्स्ट है एनहांसमेंट इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो अगर देखो अगर हम ह्यूमन कैपिटल के लिए पैसा ज्यादा खर्च करते हैं तो वो क्या इंक्रीज करेगा वो ह्यूमन कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ही इंक्रीज करेगा जिससे क्या होगा कि जो आपके लोग होंगे वर्कर्स होंगे जो एफिशेंट वर्कर्स हैं वो अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और अवेलेबल रिसोर्सिस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकेंगे बहुत एफिशियटली यूज़ कर पाएंगे और ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी इट इज़ थ्रू पॉसिबल ओनली थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग एंड गुड फिजिकल हेल्थ ठीक है सो इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर आपकी ये प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल होगी तो उससे आपकी इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी अपने प्राइज होगी जब आप रिसोर्स को आपके वर्कर्स ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी और ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इकोनॉमी की जीडीपी राइज होगी ठीक है नेक्स्ट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल अब फिजिकल कैपिटल जो है जो भी आ, आपकी फिजिकल कैपिटल है वो ह्यूमन कैपिटल के बिना ही नहीं यूज़ हो सकती फिज़िकल कैपिटल कुछ भी है आप अपने घर में देख लो आपके घर में जो भी चीज़ें वो अपने आप अप तो नहीं चलती ना आप उनको यूज़ में लाते हो आपके पास अगर फूड प्रोसेसर है फूड प्रोसेसर आपके घर में है, आपकी मम्मा अगर स्विच ऑन करती हैं तब वो चलता है उसमें कोई चीज़ डालती हैं तब वो चलता है वो अपने आप अप तो नहीं चलता ना वो चलाना पड़ता है ह्यूमन अगर मतलब कोई उसको ह्यूमन कमांड देगा तब वो चलेगा इन द सेम वे आप लोग देखते हो जैसे आप आ, टीवी देखते हो या आप आ, फोन्स आ, या आपकी लैपटॉप्स आप ऑपरेट करते हो तो उन चीज़ों को अगर आप कमांड देते हो तब वो चलती हैं अपने आप तो नहीं चल पड़ती ना सो so, जो स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कर्स हैं वो ही मशीन्स को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हैं मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी वो तो बहुत एक माइक्रो लेवल पे आपके लेवल पे दी थी पर अगर हम उसको इकोनॉमी के लेवल पे देखेंगे बड़े लेवल पे देखेंगे तो अगर आपके स्किल्ड और ट्रेन्ड वर्कर्स होंगे वो ही अच्छे से काम कर पाएंगे जिससे क्या होगा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और डेवलपमेंट भी होगी ठीक है नेक्स्ट पॉइंट कम्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट अब इनोवेशन है देखो कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रही है या इनोवेशन हो रही है वो आपकी फिज़िकल कैपिटल तो नहीं कर रहे हैं ना वो कैसे हो रही है वो एक ह्यूमन ब्रेन ही कुछ इन्वेंट करता है कुछ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करता है अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट करेंगे अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल में ज़्यादा स्किल्स ज़्यादा एक नॉलेज एक्सपर्टाइज सब कुछ आएगा और उसके कारण क्या इट विल लीड टू इंक्रीज इन क्रिएटिविटी और असेप्टेंस मींस नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने की मन में एबिलिटी भी तभी आएगी और जिससे क्या होगा हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएंगे सो so, जो इनोवेशंस होते हैं इनोवेशन से है, आपकी इकोनॉमी इकॉनमी में ज़्यादा एक्सपेंशनस होती हैं ज़्यादा एडवांसमेंट होती है ग्रोथ होती है नेक्स्ट कम्स की रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में देखो सेवन्थ प्लान हमारा जो था ना सेवन फाइव ईयर प्लान जो था हमारा 1985 से 1990 तक उसमें ह्यूमन कैपिटल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई गई थी वो इतनी इंपॉर्टेंस दी गई दी गई थी कि वेल एजुकेटेड और ट्रेंड इंडिविजुअल्स को उन्होंने कहा था जैसे बाकी इकोनॉमीज़ कहती हैं जिनमें ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा है वो कहते हैं कि हमारे ह्यूम जो हैं ह्यूमन कैपिटल इट इज नॉट अ लाइबिलिटी फॉर एस बट इट इज इट इज एन एसेट फॉर एस तो अगर हम एसेट लेके चलेंगे ये हमारे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में ये कहा गया था प्रोरिटी दी गई थी जो ह्यूमन कैपिटल दे आर ह्यूमन इंडिविजुअल आर ट्रेंड ह्यूमन इंडिविजुअल आर एसेट्स फॉर अवर कंट्री एंड दे आर नॉट द लाइबिलिटी जो जिसके कारण क्या होगा विच विल हेल्प इन बूस्टिंग द इकनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी ठीक है नेक्स्ट कम्स इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ अब ये देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी ये आपकी इनोवेशन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से या आपकी अच्छी एजुकेशन से बेटर हेल्थ से या स्किल से जो होगा उससे ही आपकी क्वालिटी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी क्योंकि क्या होगा बेटर हेल्थ होगी एजुकेशन होगी तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी इनकम आपकी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप बेटर होगा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आपका अपने आप मेंटेन होगा तो जिससे क्या होगा जिससे आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी और जो उसके लिए इंडिविजुअल्स के लिए क्या होगा इंडिविजुअल्स अपने लिए ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड्स ले पाएंगे ज़्यादा अर्न कर पाएंगे ठीक है एंड लास्ट कम्स पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड पॉजिटिव चेंज इन एटीट्यूड में क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो जो ज़्यादा एजुकेटेड होगी कॉम्पिटेंट होगी और फॉरवर्ड थिंकिंग होगी तो वो ऑब्वियसली उसके सोच में और एक जो आपका इतना एजुकेटेड इंसान नहीं है उसकी सोच में दोनों में फ़र्क होगा सो so, जितना ज़्यादा आपके पास एजुकेशन आ जाती है या स्किल आ जाती है नॉलेज आ जाती है उतनी ज़्यादा आप लाइफ को एक्सेप्ट करते हो और चेंजेस को एक्सेप्ट करते हो उससे क्या है कि आप ज़्यादा उसके जो आ, जो आपके फ्यूचर जो कुछ भी चेंज आ रहा है उसको आप पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करते हो तो पर्सपेक्टिव और एटीट्यूड्स आट, टूवर्ड्स फैक्टर्स लाइक इंक्लूडिंग कस्टम एंड जॉब मार्केट्स आर डेटा क्रूशल टू नेशंस ग्रोथ आर ऑलरेडी तो लोगों उसके लिए पॉजिटिवली सोचते हैं कि हाँ इससे कुछ हमारा अच्छा ही होगा उससे आपकी मॉडर्न सोसाइटी में की तरह आपकी इकोनॉमी चेंज होती है जिससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ठीक है सो so, अगर आपको कोई भी इसमें रोल इम्पॉर्टेंस सिग्निफिकेंस या रिलेशन आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का तो उसमें आपका सेम आंसर आएगा सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर होगा तो मैंने आपको ये जो आंसर है पूरा मैंने आपको इस तरह से समझाया कि आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में कैसे दोनों इंटर रिलेटेड है तो आप इजीली लिख सकते हो आंसर ठीक है बेटे सो so, आज के लिए हमारी वीडियो बस इतनी ही है तो आगे इस चैप्टर के लिए और इनकी डिटेल्स को समझने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल एंड एंजॉय योर लाइफ